सो गुड इवनिंग गाइस, शुभित दिस साइड एके द अपशिफ्टर। सो आज कौन सी डेट है, डेट वगैरह मुझे याद नहीं रहती है। टाइम हो रहा है अभी 8:10 रात के, एंड ये वीडियो कुछ ऐसा नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन बना रहा हूँ मैं, बस जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जस्ट टू अपडेट यू। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट मेरा अब जो प्लान है आगे का, अब सो मैंने आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने अपनी FZ को बेच दिया, मेरी अपनी बाइक बेच दी है, एंड ब्लॉगिंग मैं भी कर नहीं रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। एक रीज़न ये था कि मैं घर शिफ्टिंग कर रहा था, तो उस वजह से घर बनाने में टाइम लग गया मुझे। एंड सेकेंड रीज़न मेरा ये था कि मैं तैयारी कर रहा था। सो तैयारी क्या है, मैं जा रहा हूँ कैनेडा फॉर माई फर्दर स्टडीज, एंड सो व्लॉगिंग बंद नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाके भी व्लॉगिंग करूँगा। इवन कैनेडा जाते टाइम क्या क्या इश्यूज आ रही है मुझे, क्योंकि अभी जो हाल चल रहा है, कोविड का सिनेरियो चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैनेडा जाने की टिकट्स डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कैनेडा और इंडिया जो है आपस में अप्रूव नहीं कर रहे हैं, उसे क्या सीन है पता नहीं, बट टिकट्स जो है कम से कम डबल ट्रिपल रेट से भी ज़्यादा की महंगी हो रखी है इस टाइम पर। मेरी खुद की इतनी महंगी मिली मुझे, बट मिल गई बाई चांस, फाइनली मिल गई मुझे, क्योंकि काफ़ी रोना करना पड़ा था उसके चक्कर में, बट हो गया, उसकी दिक्कत नहीं है। सो यस, मैं कनाडा जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए आगे, और ऑटोमोबाइल का कोर्स ही करने जा रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट ही इन सब चीज़ों के अंदर है, सो आगे देखते हैं क्या रहता है लाइफ के अंदर। बट टाइम टू से गुड बाय टू इंडिया, अभी कुछ दिन हूँ यहाँ पे। अगली जो आपको वीडियो आएगी इसके अंदर मेरे चैनल पे, वो आएगी ट्रैवल की डायरेक्ट। अभी ये वाली वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या अपनी प्रिपरेशंस करी है, और फिर से गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी मुझे, एक तो यहाँ पे गाड़ी लगाना भी आफत है सबसे बड़ी। ओके हो गया, हाँ। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिपरेशंस बताऊंगा अपनी, इवन जो पैकिंग वगैरह सारी सब कुछ कैसे क्या क्या किया है, मैनेज किया है मैंने, मैंने तो कम ही किया है, मम्मी ने ज़्यादा किया है। इवन कल कोविड टेस्ट भी होना है मेरा मॉर्निंग में, एंड फिर फ्लाइट वगैरह जो भी है वो सब लेंगे, सब कुछ सारा बता दूंगा मैं, अभी डेट वगैरह रिवील नहीं कर रहा फ्लाइट की, बाकी देखते हैं। मोटो व्लॉगिंग अभी तो नहीं होगी कुछ टाइम तक, क्योंकि बाइक तो मैंने यहाँ से वैसे ही बेच दी है, प्लस कनाडा जाके भी मैं बाइक तो सीधा लेने ही वाला हूँ, क्योंकि पहली बात तो कनाडा जो है साल के 6 महीने या उससे थोड़े बहुत कम ले लो, महीने एक बर्फ गिरी रहती है इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पर बाइक कैसे चलाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज कि ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ टू गेट द बाइक, सो देखते हैं। तो आप तक इंडियंस जितने भी थे जिन्होंने भी अब तक मेरी हेल्प करी इस चैनल को ग्रो करने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने भी थे आप लोग, एंड आगे भी देखते रहना, कनाडा की वीडियो देख लेना यार, कोई बात नहीं, इंडिया की नहीं तो आऊँगा वापस ज़रूर, लेह लद्दाख भी करना है मैंने, राइड तो करूँगा मैं आके इंडिया वापस, सो वो फ्यूचर प्लानिंग है, पैसे कमाने जा रहे हैं, फिर आएंगे आके करेंगे, शौक पूरे करेंगे अपने। सो ये एक थी बात मेरी, बाकी वीडियो को आगे देखते रहें, जो इससे पहले था वो भी देख लें, इसके बाद था वो भी देख लें, और वीडियो को यार लाइक जरूर किया करो, लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की अगली वीडियोज़ जो है अच्छी अच्छी बनाता जाऊँगा मैं, ट्रैवल वीडियोज़ आने वाली हैं, और उन सभी लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या जो विजिट जो मतलब स्टडी पे जा रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं उसे वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, या फिर एज अ विजिटर ही जा रहे हैं, जो अभी फील कर रहे हैं मेरे जैसी प्रॉब्लम कनाडा की टिकटें लेने में, और कैसे जाना है, किस रूट से जाना है, उस सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वेट करें मेरी अगली वीडियोस का भी, ठीक है। मेरा जो रूट है वो है दिल्ली से इथोपिया, इथोपिया से कनाडा, सो आई वोंट बी डूइंग एनी क्वारंटीन इन इथोपिया, आई जस्ट हैव टू गो टू इथोपिया एंड वेट फॉर लाइक 11 आवर्स, दैट इज़ माई लेओवर टाइम, इन दैट लेओवर टाइम आई विल बी टेकिंग माई कोविड टेस्ट एंड गेटिंग माई रिपोर्ट इन लाइक 5 to 6 hours, एंड देन आई कैन लाइक गो एंड टेक द नेक्स्ट फ्लाइट ऑफ टोरंटो। फिर से गाड़ी हटाओ, मेरी आधी वीडियो में तो मैं गाड़ी आगे पीछे ही कर जा रहा हूँ जब से। ओके चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत बकबक कर ली मैंने, और ये रहा डॉलर, मस्त टांगे पीछे करके कैसे बेहोश होके पड़ा हुआ, मुंडी देखो इसकी कैसे सो रहा है इसके, जस्ट यहाँ पे अभी 2 इंजेक्शन लगे हैं इधर, आई कैन फील इट, जो गिल्टी सी बन जाती है,
उसी के दर्द में सो रहा अगला, रेबीज का इंजेक्शन लग रहा था इसको, अब ये हमें काटेगा, हम कुत्ता नहीं बनेंगे फिर हम। 2000 years later. तो भाई फुल ऑन पैकिंग चल रही है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो सारे बेड वेड खाली होने, काफी सारा सामान डलेगा। ये शूज मैं वहां जाके पहनूंगा। तो ये वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूँ क्योंकि पैकिंग अभी कर रहे हैं, मैंने अभी तक बताया नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो अभी ऑलरेडी आप जब वीडियो देख रहे हो आपको पता चल ही चुका होगा। ये सब रैंडम मैंने कैमरा उठा के रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया था। नेक्स्ट डे सो लास्ट टाइम आए हैं रोहिणी के अंदर ड्राइव करने के लिए, उसके बाद तो पता नहीं कब आऊँगा, कितने साल बाद आऊँगा। और मम्मी आपका बेटा जा रहा है, कैसा लग रहा है? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चे खूब तरक्की करे, सब माँ यही चाहती है। सो अब से जो है आपको इंटरनेशनल ब्लॉग्स दिखेंगे मेरे चैनल पे, बाकी ये आखिरी वीडियो है इंडिया की, इसके बाद अगली वीडियो सीधा ट्रैवल सीरीज ही है। मैं छोटे छोटे क्लिप्स अभी बस कर रहा हूँ ऐसी, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, तो जो जो अभी तक बनाया है वो सब मैं डालता रहूँगा इसके अंदर। थोड़ा सामान वामान लेने गए थे, पीछे सामान रख दिया है, वो बाद में सब एक ही बार में दिखाऊंगा, अभी तो पैकिंग भी पूरी तरह से हुई नहीं है। तो बस कल की फ़्लाइट है, तो इसलिए जाने से पहले एक बार भाई अपनी बहनों से मिलना है, और भाई बहनों से
सो लास्ट और नानी से भी मिल लेते हैं एक बार ही जाने से पहले, तो नानी से ब्लेसिंग्स ले लें पहले अपनी. नानी कुछ कहना चाहोगे आप? गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चा, जाके पढ़ो लिखो अच्छा कमाओ, नानी और माँ से लुटाओ, पहना से भरावा से लुटाओ, अपना जोड़ो, उसे मकान भी लेना है, उसे ब्याह भी करना है, आपने आना भी करनी है. मैं तो आऊंगी नए साल में, जब पूरी ताकत लेके आऊंगी ना, क्योंकि मैं उसे घूमना भी, ब्लू माउंटेन है, सफारी है, और नियाग्रा फॉल है, मैं तो घूमना ही मैं तब तक वीडियो डाल डाल के आपको घुमाता रहूंगा. कैसीनो है जहाँ मैं जुआ खेल के आई थी, बच्चे वाले नहीं थे, नानी जुआ जरूर खेलना, नानू का सगन है, वो कहेंगे नानी जान है नहीं और जुए खेलती भी है. बस परमात्मा इन बच्चों को गुरु जी ठीक ठाक रखो, मेरे सब बच्चे ठीक रहे. जुए में पैसे कमाने के लिए जान थोड़ी चाहिए, बैठे बैठे करना जो करना. गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर. भाई के साथ भाई को भी सुबह समझाया शिल्पी ने के निके दाल चावल ने दी रोटी दी. ना मैं नानी आपको वीडियो कॉल बता देना मुझे कैसे बनाना है खाना, ना थोड़ा वो सीख लूंगा मैं भी. हाँ नहीं भाई, मम्मी को तो बोलता रह गया, मम्मी तो बनाया ही नहीं. भाई सिखा देगा, भाई ट्रेंड हो गया. One eternity later. So भाई घर तो आ गया हूँ, उसके थोड़ी बहुत बस पैकिंग वैकिंग रह गई है, फाइनल स्टेज जो है पैकिंग चल रही है. मेरा भाई भी आ गया है मिलने के लिए मुझसे, और अभी साथ में रहेगा. बाकी इधर का काम डन है, थोड़ा बहुत रह गया काम, छोटे मोटे सामान वान जो है yes, baby. पैकिंग चल रही है फुल ऑन. सो भाई फाइनली सारी पैकिंग हो गई है, ऑल सॉर्टेड आउट, वेट चेक कर लिया है, बैग का भी, चेकिंग बैग, कैबिन बैग, सब का हो गया, अपना भी चेक कर लिया है. मैं बिल्कुल वेट लिमिट के अंदर ही हूँ, ओवर वेट हो जाता. डॉलर भैया जा रहे हैं, डॉलर कुछ कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट करो कि भैया आप आना बड़े भैया के साथ. हाँ उसने बोल दे. तो भाई एट लास्ट फाइनली ये जो है गोप्रो का सामान सारा रखना रह गया है, जो जो मुझे चाहिए है. कल ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं मेरे पास, बट फिर भी जो मिल रहा ले जा रहा हूँ, काम आ जाएगा कभी ना कभी. तो सारी पैकिंग हो गई है, सब काम डन है. एंड आज है डेट 25th अगस्त, एंड मैं इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और अगली वीडियो को मैं यहीं से चालू करने वाला हूँ तैयार होने के बाद. ऐसा नहीं है तो क्या बन के बनूँगा, जब मैं रेडी हो जाऊँगा अपनी ट्रिप पे निकलने के लिए, ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपको आगे की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार अपलोड करूँगा. सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव शिव कृष्ण.